बच्चों तुम्हारी एग्जाम शुरू हो रही है, एग्जाम की तैयारी हुई कि नहीं? हाँ अंकल, मेरी सारी तैयारी हो गई। मैंने अभी से एग्जाम के दिन जो ड्रेस पहनना है उसको प्रेस करके रखा है, और शूज को भी पॉलिश किया, और पेन और कंपास उसको अभी से ही नया बैग में रख दिया। अरे ये एग्जाम की नहीं, पिकनिक की तैयारी हो रही है। अंकल, टीचर हमें IMP देने वाली है, इससे हमारी एग्जाम अच्छी हो जाएगी। अरे लेकिन वो IMP एग्जाम में नहीं आती तो क्या करोगे? तो हम फेल हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, IMP के पीछे लगने के बजाय अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तुम उसे आसानी से आंसर दे सकते हो। इसीलिए मन लगाकर पढ़ाई करो। पौंची, सिर्फ खाने पे नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो। अंकल, पौंची की मैथ्स बहुत वीक है। अच्छा? वो सिंपल सा आंसर भी नहीं दे पाता। सच में? ज्यादा झूठ मत बोल। ओए पौंची, बेवकूफ। ए बेवकूफ किसको कहा? आपको, आपको कहा मैंने बेवकूफ। मुझे बेवकूफ कहते हो? हाँ, आपको बेवकूफ कहा मैंने। गाड़ी ठीक से चला नहीं सकते क्या? अरे तुम्हें समझता नहीं क्या, सड़क पे कीचड़ के पास बैठे हो। अंकल आपकी गलती है, फिर भी डंडे अंकल आपको आप कह रहे और आप इन्हें तुम कह रहे हो। हाँ अंकल, दिस इज नॉट गुड मैनर्स। शट अप, यू शट अप। एक तो गलती करते हो और ऊपर से बदतमीज से पेश आ रहे हो। देखो मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए आपने। अरे तुम जैसे लोगों को खूब जानता हूँ मैं। ऐसे इतने सड़क पे कीचड़ के पास बैठे हो, ये लो 20 रुपए, लॉन्ड्री से धुलवा लेना। 20 रुपए? मेरी ये इंसल्ट? चलो बच्चों, पागल आदमी के मुंह नहीं लगते, चलो। तू पागल है, तू पागल है। जी तो करता है इस आदमी के कार का टायर पंक्चर कर दूं। ओके सर जी, मैं हवा निकालता हूं। चलो। बच्चा क्या कर रहा है? हवा निकाल रहा हूं। क्यों? सर जी ने कहा इसलिए। ए, सर जी? अच्छा तो ये सर जी है? अरे सरों की तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों को ऐसी शरारतें सिखाते हो। देखो ये बेवकूफ आदमी है, इसके मुंह नहीं लगते, चलो। दादा अंकल, ये बेवकूफ नहीं, ये तो फनी अंकल है। फनी कह रहा है आपको बेवकूफ? अरे बेवकूफ तू होगा। डैडी जल्दी चलिए ना। हाँ हाँ बेटा आया, देख लूंगा तुमको, छोड़ूंगा ना मैं तुमको। कैसा आदमी है, इसके साथ इसका पाला पड़ेगा वो पागल हो जाएगा। और क्यों रे, हवा क्यों निकाल रहा था तू? अंकल देखिए ना कैसे बातें कर रहे थे। देखो सामने वाला आदमी कितना भी बुरा हो, हमें बुरा नहीं होना चाहिए। यू आर राइट अंकल, जैसे सांप भी मरे पर लाठी भी ना टूटे। क्या बोल रहे है? हाय। हाय। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? किसी ने पर्स मार लिया क्या? नहीं बाबा। तो किसी ने डांटा है तुम्हें? नहीं यार। झगड़ा हुआ है किसी से? नहीं। टायर पंक्चर हुआ? नहीं। आप लोग प्लीज जज मत करो, मैं खुद बताता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैंने एक हाईटेक कंपनी के लिए टेंडर भरा था। अब टेंडर जिनके थ्रू पास होकर आगे बढ़ने वाला है वो मिस्टर चंद्रा कल सुबह 10 बजे ही आ रहे। डैड उन्हें भगाना है, डोंट वरी, मैं उन्हें भगा दूंगा। हाँ। नहीं बेटा, बात यह है कि कल सुबह 9 बजे मेरी दूसरी मीटिंग तय हुई है। अब घर आते आते मुझे 10:30 बज जाएंगे, तब तक मिस्टर चंद्रा। सो सिंपल विक्रम, पहली वाली मीटिंग कैंसिल कर दो। वो पॉसिबल नहीं है। क्यों डैड, उनके पास फोन नहीं है? डोंट वरी, मैं उनके घर पे जाके उन्हें मैसेज देके आता हूँ। हाँ जा। आज नहीं बैठा। बेटा एक मीटिंग कैंसिल करना मतलब एक पार्टी से हाथ धो बैठना। सिर्फ आधा घंटा मुझे देरी होगी घर आने में, तब तक मिस्टर चंद्रा को। डैड मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। पल्लवी पहले तुम इसे हैंडल करो। डैड एक बात कहूँ? हाँ। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। फिर आप डंडा अंकल को बुला लो। नॉट अ बैड आइडिया, आधा घंटा तक तो ढांडा साहब संभाल सकते हैं। थैंक यू ढांडा साहब, मेरे लिए टेंडर पास होना बहुत जरूरी है। अगर ये टेंडर पास नहीं हुआ तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ ये 3 महीने से उस टेंडर के पीछे है। और डंडा अंकल आप बात करने की टेंशन मत लेना, आप उनसे पूछना कि आपको कौन सा खिलौना पसंद है और आपको मैथ्स पसंद है या साइंस। और बेटा उन्हें बिजनेसमैन से बात करनी, स्कूल के बच्चे से नहीं। तो फिर कॉमन है, आप उनसे पूछना कि आपका नाम क्या है। अगर वो कहे कि मेरा नाम कालू प्रसाद है तो उनसे कहना आपका नाम बहुत बढ़िया है सर। ठीक है सर, सिखाओ मत मुझे। ढांडा साहब आप वो मिस्टर चंद्रा को थोड़े संभाल लेंगे ना? पल्लवी कमाल करती हो तुम भी। डोंट वरी डोंट वरी, देखो कैसे संभालता है। कोई आया? हाँ, मैं देखती हूँ। चल
नमस्ते मिस्टर विक्रम। मैं उनकी बीवी हूँ। आप मिस्टर चंद्रा हो? Yes. आप प्लीज कम इन, आइए आइए आइए। ये मेरा बेटा गिल्ली है और ये हमारे पड़ोसी है मिस्टर ढांडा। नमस्ते। तुम यहाँ? आप यहाँ? ये आदमी पागल है, ऐसे पागल आदमी से आप रिश्ता रखती है? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। नहीं रुकिए रुकिए चंद्रा साहब, रुकिए प्लीज प्लीज। आप रुकिए ना थोड़ा विक्रम, अभी नहीं। मैं यार, मैं तो आपको देखना भी पसंद नहीं करता। अंकल तो फिर आप अपने आँख बंद कर लीजिए। शट अप, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे चंद्रा साहब, मुझे आने में देरी हो गई, आई एम सॉरी। आइए ना सर, बैठिए ना। नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। अरे आप तो नाराज हो गए सर, आइए ना प्लीज प्लीज। नहीं, अरे शरारती है। अरे शरारती तो क्या, बच्चा है सर। बेटा नमस्ते करो अंकल को। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस आदमी की बात कर रहा हूँ। अरे आदमी पागल है, इसने मुझे पागल कहा, बदतमीज कहा, बेवकूफ भी कहा था। हाँ, बेवकूफ भी कहा था। शट अप। चंद्रा साहब उनकी बात छोड़िए सर, जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप मुझे फोन पर भी कांटेक्ट नहीं करेंगे? ऐसे थर्ड क्लास आदमी से आप रिश्ता रखते हैं? देखिए चंद्रा साहब, वो थर्ड क्लास आदमी नहीं, मेरे पड़ोसी हैं। और आप गिल्ली के बारे में और उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? ऐसी, अरे गिल्ली का तो मैं समझ सकता हूँ कि आपका बेटा है, पर ये कौन है? ऐसे थर्ड क्लास पड़ोसी के लिए आप इतनी हमदर्दी रखते हैं? वो पड़ोसी नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, और मैं अपने बड़े भाई की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे आप? ऐसी, अच्छा मिस्टर विक्रम, ये रहा आपका टेंडर, आपके बड़े भाई को दीजिए, उनसे ही पास करवाइए, मैं जा रहा हूँ। चंद्रा साहब, चंद्रा साहब, गया मेरा टेंडर। ओह गॉड, अब क्या होगा? विक्रम, विक्रम, क्या करूँ यार, मेरी वजह से विक्रम का बड़ा नुकसान हो गया। रिलैक्स डंडा अंकल, रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ में ऐसा होता है। अच्छा, अरे मेरे जाने के बाद विक्रम कुछ बोला? हाँ। क्या बोला? पल्लो पंखा चालू करो। अरे वो नहीं यार, टेंडर के बारे में कुछ बोला? नहीं, उनका तो पूरा दिन मूड ऑफ खराब था। अरे बाप रे, मेरी वजह से उनका पूरा दिन मूड ऑफ खराब हो गया। मूड ऑफ खराब हो गया, मूड ऑफ हो गया। डंडा अंकल, इसे कहते हैं खाया ना पिया, ग्लास थोड़ा भरा ना। क्या बोल रहे हैं? डंडा अंकल डोंट वरी, जब हमसे आपका नुकसान होता है तो आप थोड़ी देर बाद मान जाते हो ना। हाँ। वैसे ही विक्रम अंकल भी मान जाएंगे। मेरी वजह से उनका बहुत नुकसान हो गया, नुकसान भर के देना पड़ेगा। डंडा अंकल, ये एक दो रुपए की बात नहीं है, लाखों की बात है, और आपके पास इतने रुपए कहाँ है? अरे पैसों से नहीं यार, उसको टेंडर दिलवाना पड़ेगा। इम्पॉसिबल, चंद्रा अंकल इतने नाराज थे कि वो विक्रम नाम के किसी भी आदमी का टेंडर पास नहीं करेंगे। सुनो सुनो सुनो, सब लोग मुझे खाना लाके दो, मुझे भूख लगी है। पांची शट अप। डंडा अंकल, मेरे पास एक आइडिया है, हम चंद्रा अंकल को फोन पे धमकी देंगे। बोली चुप यार, ये फिल्मी आइडिया मत दे। डंडा अंकल, जब हमारी टीचर हमसे नाराज होती है ना, तो हम उन्हें चॉकलेट देके मना लेते हैं और वो फौरन मान जाती है। हाँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा और सब स्टूडेंट से चॉकलेट खाऊंगा। ये आइडिया अच्छा है, मैं चंद्रा अंकल को मिठाई देकर मनाऊंगा, वो मान जाएंगे। लीजिए। मुझे नहीं चाहिए ये बिना शुगर वाली चाय। आपको हाई डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया है ना। और ये क्या है, ये क्या है? शर्मा जी के यहाँ बैठे हुए, उन्होंने मिठाई भेजी है। मिठाई? अरे खबरदार, मेरे सामने मिठाई खाई तो मुझे जिसके भी हाथ में मिठाई दिखती है ना, मुझे वो आदमी दुश्मन लगने लगता है। चलो अंदर ले जाओ उसे अंदर। नमस्ते चंद्रा साहब। तुम बिना नॉक किए मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? जी मैं आपको सरप्राइज देने आया। शट अप, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, मैं आपसे माफी मांगने आया। माफ? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं। आप अपने पिताजी को समझाइए ना। पिताजी? अरे वो मेरी बेटी नहीं है। बेटी नहीं है? हाँ तो बहन होगी। बहन नहीं, वो मेरी वाइफ है। वाइफ है? नमस्ते आंटी जी। आंटी जी नहीं, नमस्ते वाइफ जी। वाइफ जी नहीं, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? देखिए ना। अरे इस आदमी ने मुझे घनचक्कर कहा था। घनचक्कर नहीं कहा था, देखिए घनचक्कर नहीं कहा था। कहा था? मैंने आपको बेवकूफ कहा था, बेवकूफ। और बदतमीज भी कहा था। बदतमीज कहा था मैंने? हाँ हाँ हाँ, बदतमीज भी कहा था, बदतमीज। देखा? देखिए आप सब भूल जाइए ना। कैसे भूल जाऊं, बुजुर्ग है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम कहती है तो ठीक है, भूल जाता हूँ।
अरे क्या बात है चंद्रा साहब, आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू वेरी मच चंद्रा साहब। देखिए आपके लिए मैं एक छोटी सी गिफ्ट लाया हूँ, लीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत। अरे लीजिए ना प्लीज, इसकी क्या जरूरत। मुझे तसल्ली हो जाएगी, आप लीजिए लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या है इसके अंदर। कुछ नहीं, वो मधुर मिठाई वाले की मिठाई लाया हूँ आप। मिठाई? शायद इसे मालूम होगा कि मुझे डायबिटीज है और मुझे जलाने के लिए मिठाई लाया है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आपको डायबिटीज है? इतनी छोटी सी उम्र में आपको डायबिटीज है? कमाल है। इन्हें हाई शुगर है। इतनी छोटी सी उम्र में। गेट आउट प्लीज, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए ना, इनका गुस्सा बहुत बुरा है। अच्छा ठीक है ठीक। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ठीक है। अरे उस दिन गाड़ी में तुम भी थे ना? तुम मुझसे लड़ने आए हो? मुझसे पंगा मत लेना, मैं कराटे चैंपियन हूँ। मैं तुमसे क्यों लड़ूंगा? उस दिन के झगड़े में तुम सामने वाली टीम में थे ना, और देखो मेरे पास ये ब्लैक बेल्ट है। मेरे डंडा अंकल कहते हैं कि हमें जिंदगी में छोटे बड़े झगड़ों को भूल जाना चाहिए, जो भी ये याद रखता है वो दुखी होता है। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम गिल्ली है। मेरा नाम डब्बू है। लेकिन तुम इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? हाँ वो एग्जाम नजदीक आ रही है ना, और मेरे पास आईएमपी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो मेरे घर। हाँ डब्बू, इस लेसन में जो 10 क्वेश्चन है ना, उसमें से 5 आईएमपी है, और बाकी की जो 5 है ना वो भी आईएमपी है। तू इसे कब से पढ़ा रही है? अब मैं इसे मैथ्स पढ़ाऊंगी। तू मैथ्स पढ़ाएगी? तू तो खुद ही मैथ्स में फेल है। तुझे भी तो 95 out of 100 मिले। शट अप, लड़ो मत। हाँ, नहीं तो मैं डब्बू को मैथ्स पढ़ा दे। गिल्ली, इसमें से आईएमपी कौन से है? पहले तुम सारे क्वेश्चंस पढ़ लो, फिर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि आईएमपी कौन से है। ठीक है। डब्बू तुम्हें भूख लगी है? पल्लवी आंटी, डब्बू को भूख लगी है। नहीं मैम, अभी हम पढ़ रहे हैं, 1 घंटे के बाद नाश्ता देना। 1 घंटे के बाद? अरे अरे अरे, चंद्रा को मनाने गया, तो चंद्रा ने उल्टा मुझे डांटा। ये टेंडर अगर मेरा होता तो मस्काबाजी करके मैं टेंडर नहीं पास करा था। वो तो विक्रम का टेंडर था, चंद्रा को मना नहीं होगा। हाय डंडा अंकल। हाय हाय। हाँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है बेटे। आपको याद है उस दिन सड़क पर आपको किसी ने डांटा था? हाँ, वो पागल चंद्रा। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा नाम डब्बू है। डब्बू है? अरे बेटे बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, डब्बू डब्बू। बेटे बेटे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे डैडी को क्या पसंद है? हाँ, स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार पसंद है? अच्छा जाओ जाओ, स्टडी करो, दिल लगा कर स्टडी करना। जाओ बेटे जाओ, बाय बाय बाय। बाप रे स्पोर्ट्स कार। अरे पोंछी, ये क्या कर दिया तुमने? डंडा अंकल के केले खा गए। क्या करूं यार, मुझे तो और भूख लगी। आपके घर में खाना है? अरे बाद में, पहले इसे कहीं छुपा दो, वरना डंडा अंकल हमें डांटेंगे। कहाँ छुपाए? ये क्या है? कार है, सिंपल कार है। अरे मुझे पता है, डंडा अंकल मेरे लिए लाया है। पिछले टाइम डंडा अंकल मेरे लिए हेलीकॉप्टर लाए थे, इस बार ये कार लाए है। चलो हम जाके खेलते हैं। हाँ चलो, चलो। इस कार को देख के चंद्रा बहुत खुश हो जाएगा। अजी सुनती हो? जी। तुम्हारा लाडला इस बार भी फेल होगा। आप क्यों मुझे बार बार ताने दे रहे हो? बेचारे का पढ़ाई में ध्यान नहीं तो मैं क्या करूं? अरे कभी पास भी हुआ है, इस बार भी फेल होगा, उसका तो गिनीज बुक में नाम आना चाहिए। तुम फिर आ गए। गुस्सा होने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मेरे दुश्मन,
तेरे लिए यही अच्छी बात है कि तू चले जाए यहाँ से। भाभी जी समझाइए ना इनको, इनके लिए एक बहुत अच्छी गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट को देखकर इनका गुस्सा गायब हो जाएगा गधे के सिंह की तरह। अरे अग्नि सिर्फ जलन दे सकती है, ठंडक नहीं। तू चले जा। मैं चला जाता हूँ, लेकिन चले जाने से पहले गिफ्ट को देख तो लीजिए आप। नहीं देखनी मुझे गिफ्ट। भाभी जी समझाइए ना इनको, अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए मुझे। वो इतना कह रहे तो ले लीजिए ना। ले लीजिए, गिफ्ट को देखकर आप उछल पड़ेंगे। अच्छा ठीक है। क्या है इसमें? नहीं देखा। नहीं मतलब आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा ठीक। देखो डब्बू, एग्जाम में सोच समझ के लिखना, कोई जल्दबाजी मत करना। हाँ, पेन पेंसिल रबर शार्पनर स्केल सब साथ में लेके जाना। हाँ, इस पार या उस पार। एक गोली तो चुप बैठ डब्बू, एग्जाम ठीक से देना। ऑल द बेस्ट डब्बू। थैंक यू। मैं सच कहता हूँ विक्रम, उस बॉक्स में मैंने स्पोर्ट्स कार रखी थी, न जाने ये केले के छिलके कहाँ से आ गए। कोई बात नहीं डांडा साहब, वैसे ही चंद्रा साहब मुझ पर बहुत गुस्सा है। I'm sorry विक्रम। भूल जाइए डांडा साहब, और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आइंदा आप उन्हें खुश करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। नहीं मैं डांडा साहब, हम जानते हैं आप हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बनने के बजाय और बिगड़ रही है। आई एम सॉरी पल्लवी, मैं क्या। अरे यही तो स्पोर्ट्स कार है। ये गिल्ली बेटा, आपको ये कार कहाँ से मिली? डंडा अंकल मेरे लिए लाए थे, इसलिए मैं डंडा अंकल के घर से लेके आया। अरे गिल्ली तूने ये क्या किया? बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। अब विक्रम का कितना नुकसान होगा पता नहीं चलता, ये चंद्रा को कैसे समझाऊं मैं? कोई जरूरत नहीं है, तुम पानी समझकर आग बुझाने जाते हो और वो पेट्रोल बनकर आग बढ़ा देती है, कोई जरूरत नहीं। चंद्रा यहाँ क्या कर रहा है? चलो देखते। नमस्ते। अरे नमस्ते, क्या बात है चंद्रा साहब? फिर डांडा साहब ने कुछ किया? नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर विक्रम ने कुछ किया? नहीं नहीं गिल्ली ने। गिल्ली यहाँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना शरारत करने से। नहीं नहीं बहन जी, उसने कोई शरारत नहीं की, उसने अच्छा काम किया है। अच्छा काम? और गिल्ली ने? इम्पॉसिबल। हाँ हाँ, उसने मेरे बेटे डब्बू को इम्पोर्टेंट नोट्स दिए थे और मेरा बेटा पास हो गया, वो भी फर्स्ट क्लास। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। आपका बेटा फर्स्ट क्लास में पास हो गया? यस। आर यू श्योर? अंकल अगर आपको डब्बू के पास होने का क्रेडिट अगर किसी को देना है तो डंडा अंकल को दीजिए। इन्हें? आर यू श्योर? हाँ, इन्होंने ही हमें सिखाया है कि आईएमपी के पीछे भागने के बजाय मन लगा के पढ़ाई करो, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आए हम उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, और वही हमने डब्बू को सिखाया। अंकल डंडा अंकल बुरे आदमी नहीं है, वो हमेशा हमें अच्छी बातें सिखाते रहते हैं। हाँ वेद, आपको मदद करने गए और उसमें सब गड़बड़ हो गई और आप परेशान हो गए, वैसे वेद बुरे आदमी नहीं है। हाँ, और उस दिन ढांडा साहब को पता ही नहीं था कि गिल्ली ने वो कार निकाल ली थी। मिस्टर ढांडा, थैंक यू वेरी मच, वैसे मेरे एटीट्यूड के लिए वेरी सॉरी। नहीं, इट्स ऑल राइट। आपके परेशानी की वजह से गिल्ली का पॉइंट ऑफ व्यू मेरी समझ में आया कि इंसान अच्छा काम करने जाए तो बिगड़ भी सकता है। अरे चंद्रा साहब आप यहाँ? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे इनका बेटा पास हुआ है, तुम इन्हें क्यों थैंक यू बोल रहे हो? अरे शालो भाभी, मेरा भी टेंडर पास हुआ है। विक्रम, वाह 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 वाह, चंद्रा साहब आप महान आदमी हैं। नहीं, नहीं। आपको मैंने बदतमीज कहा, आपको मैंने बेवकूफ कहा, लेकिन आपने दिल बड़ा रखा और विक्रम का टेंडर पास कर दिया। नहीं नंदा साहब, क्या है, विक्रम का टेंडर पास हुआ है तो उसके रीजनेबल रेट्स और क्वालिटी की वजह से, वैसे मैं इनका टेंडर तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता था। विक्रम, तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं था? क्या मतलब? तुमने अच्छी क्वालिटी और कम दाम का टेंडर भरा था तो तुम्हें खुशामत का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? हाँ तुम्हारा काम ही अच्छा था, टेंडर तो पास होना ही था। मैं जानता हूँ खुशामत करना गलत बात है, पर बिजनेस में ये सब करना पड़ता है भाभी। हाँ सिस्टम ही ऐसा है, उससे तुम्हें क्या कर सकते हो। माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ये सब बातें क्यों कर रहे हो, आज तो खुशी का दिन है,
पार्टी करते, हमारे घर में टी पार्टी करते। हमें टी पार्टी नहीं, डिनर पार्टी चाहिए, और वो भी होटल में। Yes.